नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे इस तरह की नारियल की बर्फी या कोकोनट वाली मिठाई, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। और आप इसको होली, दिवाली या किसी भी त्योहार के मौके पे ऐसे भी बना के खा सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है बनके, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी सी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। हल्के हाथ से भी मैं तोड़ रही हूँ तो कितने अच्छे से ये देखिए टूट रही है। ये देखिए आप कितने अच्छे से, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। तो अगर आप इस तरह की मिठाई बनाना चाहते हैं जो 10 से 15 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगी, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए आखिर तक। तो चलिए आज एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम जो है हम ये खोया या मावा ले रहे हैं, और इसके अलावा मैंने ये 4 चम्मच देसी घी लिया है। इससे क्या होता है कि ये बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। कई बार क्या होता है, खोया या इसमें मावे में जो है काफी सारा घी होता है तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और जितनी हमने क्वांटिटी में ये खोया लिया है, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने ये नारियल पाउडर लिया है, कोकोनट पाउडर 250 ग्राम ये, तो ये 2 कप भर चुके हैं उसमें। और लगभग मैंने ये 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने लिए, तो 350 ग्राम लगभग मैंने ये शक्कर ली है, यानी कि ये लगभग 1/4 कप भर के लिया है मैंने, और आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये मावे को भून लेते हैं। तो अब हम इसमें ये खोया डाल देते हैं कढ़ाई में, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये आप उतना ही भूनिएगा जितना जैसा आपको कलर मिठाई का चाहिए। अगर आपको अच्छा सा डार्क कलर की मिठाई चाहिए तो उसको थोड़ा ज़्यादा भूनिए, और अगर आपको थोड़ी हल्के हल्के कलर की वाइट वाइट या ऑफ वाइट कलर की मिठाई चाहिए तो आप इसको कम भूनिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कलर चाहिए, और अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है तो इसमें जो खाने वाला जो फूड कलर होता है येलो कलर, वो भी आप मिला करके उसमें येलो कलर की मिठाई बना सकते हैं। तो ये देखिए मावा हमने भून लिया है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, बिल्कुल ठीक ठीक भुना है। ना तो ये वाइट कलर का है और ना ही ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का है, तो मुझे जैसा चाहिए उसी तरह का मैंने ये मावे को भून लिया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं और अब बनाएंगे हम चाशनी। इसके लिए ये जो मिठाई होती है बहुत फटाफट से बनती है, मात्र 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट के अंदर ये मिठाई बन जाती है फटाफट से। ये मावा आप चाहें तो घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैं इसमें अब शक्कर डाल रही हूँ, और इस शक्कर में हम डालेंगे 1 कप पानी, और अब इसकी चाशनी बना लेंगे हम। जब तक ये शक्कर इसमें मेल्ट हो रही है और ये जो है तैयार करेंगे हम, उतनी देर में हम इसके लिए मिठाई जमाने के लिए एक ट्रे को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह की एक ट्रे ली है। मैं सारी मिठाई जब भी बनाती हूँ तो इसी में ही बनाती हूँ। आप चाहें तो आपके पास थोड़ी सी इतनी गहरी इस तरह की कोई प्लेट हो, थाली हो, आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। तो अब हम इसमें लगा देंगे ये देसी घी से हम इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से इसको। इससे क्या होगा कि ये हमारी मिठाई जो है इसमें चिपकेगी नहीं। हालांकि ये प्लेट जो है जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ ये थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसमें आधा ही पोर्शन इसका काम में लेंगे, आधे में ही जमाएंगे, पर फिर भी मैं जो है ग्रीस तो पूरे में लगा रही हूँ। जमाने के लिए आप उतनी ही जमाएंगे जितनी आपको ऐसे ही मतलब जमाएंगे जितनी आपको थिकनेस चाहिए मिठाई की। तो ये लीजिए हमने इसको ग्रीस कर लिया है, तब तक हमारी शुगर भी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए अब इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको और पकाएंगे हम थोड़ा सा अभी। 3 तार की चाशनी हमको इसके लिए चाहिए। तो ये देखिए चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और इसमें आप देख सकते हैं ये मैं इसको टपका के दिखा रही हूँ आपको। अभी हालिए हमारे जो हमको 3 तार की चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको और करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको चाशनी इसमें लेके और हल्का सा ठंडा करके आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं कि ये 3 तार की चाशनी बन चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप इसमें खोया डाल लीजिए और इसको बिल्कुल अच्छे से मेल्ट करना है। ये डालते ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है,
और जितने भी इसके आपको ये लम्स दिख रहे हैं इसको अच्छे से आपको मेल्ट करना है, जल्दी जल्दी मिला करके। और इसी में ही हम अपना जो हमने घी निकाला था इसके लिए वो घी ऐड कर देंगे। घी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। आपको नहीं खाना है घी तो आप इसमें इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये अच्छे से आपको इसको मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मेल्ट कर लिया है, बिल्कुल ये देखिए एकदम बढ़िया हो गया है। अभी मैंने मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है इसको, और अब मैं इसमें ये अपना कोकोनट पाउडर जो है इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं गैस को कर रही हूँ बंद, क्योंकि अब गैस की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से मिक्स करके गरम गरम ही हम अपनी प्लेट में डाल देंगे, और ये फटाफट से 5 मिनट के अंदर ये देखिए एकदम गाढ़ी हो गई है, एकदम डालते ही फटाफट से। और ये तो लीजिए कोकोनट मिठाई बनके हो गई है तैयार। तो चलिए इसको जमा लेते हैं हम। ये इसमें डाल के, और मैं आधे ही हिस्से में इसको जमाऊंगी, क्योंकि जो है ये पूरे में अगर मैं जमाऊंगी इसको तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। ये गरम गरम है इसलिए आप इसको हाथ से मत करिएगा, इस तरह से इसको स्पैचुला से चारों तरफ से इसको अच्छे से जमा लीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसको हाथ से भी करूंगी। मेरे को क्या है स्पैचुला से मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी जमाने में, तो इसलिए मैं हाथ से कर रही हूं। जितनी इसको थिकनेस आपको चाहिए उतना इसको हाथ से प्रेस कर लीजिए। तो ये लीजिए जम गई है, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और सबको बहुत पसंद आती है ये। तो लीजिए ये बिल्कुल जम के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको 10 मिनट बाद इसके पीसेस करूंगी। तो ये बिल्कुल अब अच्छे से जम चुकी है, अब हम इसको काट लेंगे। तो शेप आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा जैसा आपको पसंद हो। तो मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ, मैं बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से काटूंगी। ये लीजिए आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि 250 ग्राम जो है हमने खोया लिया था उसमें कितने पीस बनते हैं। तो लीजिए बनके तैयार हो चुकी है हमारी नारियल की बर्फी, कोकोनट वाली मिठाई, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनी है एकदम। आप ही देखिए मैं बिल्कुल बहुत हल्के हाथ से तोड़ रही हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही अच्छी है, टेस्टी है। तो अगर आपको भी इस तरह की मिठाई बनानी है तो आप घर पे बनाइए फटाफट, 10-15 मिनट के अंदर ये बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए आप। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हो आपकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।